राजधानी रांची में जगन्नाथ मंदिर से रथ यात्रा निकाली जाएगी। बता दें, हर साल इस दिन मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ती है। परंपरा के अनुसार आज प्रभु जगन्नाथ 14 दिनों के बाद एकांतवास से लौटेंगे। वहीं रांची के जगन्नाथ मंदिर का इतिहास बेहद गहरा है। जगन्नाथ मंदिर के प्रथम सेवक सुधांशु शाहदेव ने रफ्तार मीडिया के विशेष संवाददाता सौरभ रॉय से बातचीत करते हुए विस्तार पूर्वक पूरे इतिहास के बारे में बताया है। देखिए रिपोर्ट के जरिए। रथ यात्रा कल पूरे देश भर में मनाई जाएगी। झारखंड की राजधानी रांची के जगन्नाथपुर मंदिर में भी भव्य रूप से रथ यात्रा को मनाई जाती है। झारखंड के हर एक कोने से भगवान जगन्नाथ के भक्त आते हैं उनके दर्शन के लिए। आज प्रभु जगन्नाथ एकांतवास से लौटते हैं। हमारे साथ सुधांशु सहदेव जी हैं, प्रथम सेवक है जगन्नाथपुर मंदिर के। सुधांशु जी, बताइएगा आज का जो दिन है वो कितना इतिहास में महत्वपूर्ण रखता है, क्योंकि इतिहास के अनुसार प्रभु जगन्नाथ आज ही के दिन एकांतवास से वापस आते हैं एवं भक्तों को दर्शन देते हैं। प्रेम से बोलिए जगन्नाथ स्वामी की जय। महाप्रभु जगन्नाथ कलयुग के महादेवता हैं और हिंदू धर्म में एक धाम है, पूरी धाम। तो इस छोटा नागपुर में जब 1691 में ठाकुर ऐनीनाथ साधु ने इस छोटी सी पहाड़ी में जगन्नाथ मंदिर की स्थापना किया था, तो ये सोच के किया था कि जो हमारा पूर्वी क्षेत्र है वहाँ के लोग मंदिर से भगवान के दर्शन मात्र से अपने हर रोग दोष से मुक्ति मिलेगी, उन लोगों को मोक्ष मिलेगा। ये सोचकर ठाकुर ऐनीनाथ साधु ने 1691 में इस मंदिर का निर्माण कराया और 1691 से लेकर आज तक 2024 यानी 334 वर्ष हो गए इस रथ यात्रा को। और ये रथ यात्रा निरंतर चला आ रहा है। कई पीढ़ियाँ थी, ठाकुर ऐनीनाथ साधु हुए, उनके वंशज हुए ठाकुर विश्वनाथ साधु, जिनको अंग्रेजों ने फांसी दिया। आज हम उनके वंशज हैं, 13वां पीढ़ी है और 13वां पीढ़ी अपने पूर्वजों का भार को ढो रहा है, अपने दायित्वों को निभा रहा है। आज जगन्नाथपुर महाप्रभु जगन्नाथ का दया है हमारे ऊपर कि प्रभु अपने शरण में हमको सेवा करने का एक मौका दिया है इस परिवार को। और ये है कि जो उत्कल के जो जगन्नाथ स्वामी हैं उसके पूरी विधि विधान उत्कल के ब्राह्मणों के माध्यम से ही होता है। जैसे रामेश्वर पाड़ी हैं, हमारे वरिष्ठ पुजारी हैं, श्री राम महंती हैं, सरयूनाथ मिश्रा हैं, कौस्तुभधर मिश्रा हैं, तो ये तमाम जितने भी पुजारीगण हैं, पुरोहितगण हैं, ये मंत्रोच्चारण के साथ पूरे विधि विधान से ओड़िया कल्ट में महाप्रभु का आविर्भाव यानी पूजन करते हैं। और कल आज 6 जुलाई शाम के 4 बजे महाप्रभु को एकांतवास से बाहर निकाला जाएगा दर्शन मंडप में। और जो 14 दिनों का जो एकांतवास रहा है प्रभु का, तो जितने भी भक्त 14 दिनों से दर्शन नहीं कर पाए थे आज वो दर्शन करेंगे और अपनी जो आस्था को और अपनी भक्ति और अपनी मनोकामनाएं जो लेके आए हैं महाप्रभु जगन्नाथ के पास आते हैं वो मनोकामना जरूर पूरा होगा। और कल 7 जुलाई है, दोपहर सुबह 4 बजे पट खुलता है और खुलने के साथ ही तो लाखों लाख लोगों की भीड़ रहती है इस मंदिर में दर्शन और पूजन हेतु। 2:10 महाप्रभु रत्न सिंहासन से श्री मंदिर से रथ के लिए प्रस्थान करेंगे, रथारूढ़ होंगे। 2:30 से महाप्रभु का विष्णु सहस्रनाम का जाप होगा। विष्णु सहस्रनाम का जाप मोटा मोटी 1.5 घंटा का होता है। उसके बाद आरती होती है और आरती के बाद विष्णु अष्टकम का पाठ होगा। इन तमाम और भक्तों के बैठकर विष्णु के सहस्त्रों नामों का जाप होता है, जिसमें महिला साड़ियों में रहती हैं और जो पुरुष भक्तगण हैं वो धोती और ऊपर में वस्त्र नहीं होता है। तो ये लोग बैठते हैं, मंत्र उच्चारण होता है एक एक मंत्र का। और इस पूरे कार्यक्रम का विधि विधान
में भाग लेने हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री आते हैं, हमारे माननीय राज्यपाल महोदय हैं वो भी रहते हैं। तो इन लोगों के द्वारा ही आज विगत कई वर्ष हो गए हैं कि रथ का रस्सी खींचने का जो परंपरा रहा है हमारे राज्य के मुख्यमंत्री और राज्यपाल का रहा है। ये इस वर्ष जो है 11 दिनों का रथ यात्रा है, रथ यात्रा मेला है। इस बार क्या कुछ खास तैयारी है रथ मेले को लेकर, क्योंकि रथ मेले को देखने के लिए झारखंड के कोने कोने से लोग आते हैं? हाँ, इस वर्ष का ये है कि जितने भी पारंपरिक, क्योंकि हमारा जो रथ यात्रा का जो शुभारंभ होता है वो बरसात यानी कि बरसात के साथ प्रारंभ हो जाता है, और खेती बाड़ी के जितने सामान होते हैं जैसे हल हुआ, कुदाली हुआ, और धान रोपनी शुरू होती है, और इसके साथ ही जैसे नगाड़ा हुआ, आपका ढाक हुआ, तो इतने पारंपरिक जितने भी वाद्य यंत्र हैं यहाँ मिलते हैं, और जितनी दूर तक फैलाव होनी थी वो किया गया है। जिला प्रशासन का पूरा मदद लिया गया है, वॉच टावर लगाए गए हैं सुरक्षा को देखते हुए, सीसीटीवी कैमरा पूरी निगरानी में है, ड्रोन कैमरा पूरी निगरानी में रहेंगी, 2000 पुलिस बल रहेंगे, मजिस्ट्रेट नियुक्त हैं, नौ की संख्या में मजिस्ट्रेट रहेंगे, चलन शौचालय जगह जगह रख दिया गया है, स्वच्छता पर पूरा ध्यान रखा गया है RMC के माध्यम से, और जगन्नाथपुर मंदिर न्यास समिति का हर रोज डेली एक बैठक किया जा रहा है, समीक्षा बैठक होती रहती है, जिसको लेकर हम लोग भी ये अपनी फीडबैक और लोगों से भी फीडबैक ले रहे हैं। जैसे अभी जगन्नाथ मंदिर जाइएगा तो वहाँ पर सुरक्षा हेतु सिक्योरिटी गार्ड का भी इंतजाम किया गया है, महिलाओं को कोई दिक्कत नहीं हो। चैन स्नैचिंग का एक प्रॉब्लम बहुत बड़ा रहता है तो उसको लेकर भी पुलिस के साथ बैठक हुई है। अभी हम चूँकि शाम का समय है नेत्रदान का, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए बैरिकेटिंग किया गया है मंदिर में, पूरा मंदिर को रंग रोगन कराया गया है सुंदर बनाने के लिए, जगह जगह तोरण द्वार बनाए गए हैं कि लोगों को साइन बोर्ड मिले कि कहीं पर भी आने से कोई दिक्कत ना हो। जी, जैसा कि हमने देखा किस प्रकार से सुधांशु सहदेव जी ने पूरे विस्तार पूर्वक बताया है कि जगन्नाथपुर मंदिर का इतिहास क्या है, और यह जगन्नाथपुर मंदिर अपने आप में बेहद ही खास महत्व रखता है झारखंड वासियों के लिए। रफ्तार मीडिया से संवाददाता सौरभ राय सोगी मुकेश के साथ रांची।